I wake up every minute with a fever dream. I push a mind to a limit where it needs to feed. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss, see. I got my mind on the facts, I'm a python. Grab what I like real fast, choke until I have everything I attack. Everything that I lack, everything that I want and I see, matter of fact. I'm my own worst enemy. Only if I let it be, I can control anything. If I can just think carefully, I control my destiny. Deep up in my mind I manifest it. Every morning I wake up obsessed and every- तो गाइस कैसा लग रहा हूँ मैं? तो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग. तो कैसे आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे. तो गाइज, मंगलवार को मैं सिकंदरा गया था घूमने के लिए. तो मैंने सोचा कि अपने कैमरे में सिकंदरा की भी कुछ यादें कैद करनी चाहिए. तो इसीलिए मैंने भी कुछ कैद कर लिया है आपको दिखाने के लिए भी, कि जब तक आपको नहीं दिखाऊंगा तब तक तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. तो इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सिकंदरा में अकबर का मकबरा देखना आप कितना बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मतलब बेमिसाल है देखने में. तो क्योंकि वो एक आगरा का टूरिस्ट प्लेस है जो कि बहुत लोग आते हैं, विदेश से भी बहुत लोग आते हैं देखने के लिए. तो मैं आपको दिखाता हूँ. बट देखने से पहले आपसे यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और प्लीज़ इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना. तो ओके, तो गाइस चलो दिखाता हूँ मैं. तो हे गाइस, तो हमारे यहाँ सिकंदरा पे ये देखो पीछे हमारा मार्क्समैन है. आपने तो देखा ही होगा पहले वाली वीडियो में मार्क्समैन को, बट आज मैं आपको सिकंदरा घुमाना लेके आया हूँ. तो इसे कहते हैं कांच महल, क्योंकि जागीर का रेस्ट रूम कहा जाता था. अच्छा, इसमें चारों तरफ गिलास लगे थे. हाँ, गिलास लग के पर्दा डर जाते. जब जहांगीर लाल किले से आता था शिकार खेलने के लिए, यहीं रेस्ट करता था, आराम करते थे. रानियों के साथ आता था तो यहीं रुकता था, यहाँ मजरा होता था. अच्छा. हाँ, चार कलरों में शीशे थे, जब बत्ती जाती तो अच्छा लगता था, सुंदर लगता था. जब ये टूट गए जगह जगह से, सब निकाल के रख दिए गए, किसी के ऊपर गिर नहीं गया. ओके. और टिकट तो यहाँ पे भी ऑनलाइन ही हो रहा है जैसा ताजमहल में हो रहा था. और हद, जो ओनली 30 रुपये की टिकट है वही यहाँ पे 50 रुपये की टिकट दे रहे हैं. तो आपके पास पेटीएम या फोन पे हो तो आप खुद कर लेना, क्योंकि आप यहाँ पे कराओगे तो 20 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे. हमारे तो ऑलरेडी 20 रुपये एक्स्ट्रा चले गए, क्योंकि ना हम फ़ोन पे चलाते ना पेटीएम. क्या पता भविष्य में चालू करना पड़े, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. बिल्कुल पसंद नहीं है सीरियसली, मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना. तो गाइस देख रहे हो इसकी मीनारें, देखो कितनी ऊंची ऊंची है भाई, बहुत ही ऊंची है. अंदर जाके पता करते हैं क्या है. बट बहुत ही अच्छा, इसके अंदर भी जाते हैं? हाँ बिल्कुल, इसके अंदर जाएंगे. ये है सिकंदरा का द्वार, जो कि फोटो शूट हो रहा है सामने, तो आप देख ही रहे हो ना ये छोटा सा द्वार. हमारे लिए पता नहीं जगह खाली रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन हम देखना चाहते हैं. खाली हो गई.
थोड़ा पानी पीते हैं फिर चलते हैं। पानी पीने का भी तो पैसा नहीं है, पानी का नहीं है, तो पानी पी लिया है हमने और चलते हैं फिर यहाँ से। ये देख रहे हो कितना पुराना है, बड़े मन से लेके आया था ट्राईपॉड की यार, ट्राईपॉड से शूट करेंगे, क्या क्या पता यहाँ पे आने थे, बट यहाँ पे भी वही हाल है। पैसे अलग से ऑनलाइन टिकट कराओ बाहर से, जिसके पास ऑनलाइन सिस्टम नहीं है वो बाहर से कराए तो पैसे को ज्यादा ही एक्स्ट्रा। ताजमहल में तो 10 रुपए ले रहे थे, यहाँ पे तो डायरेक्ट 20 रुपए। सामने इमारत है मुगलों के शासक में जो बना हुआ इमारत है वही है वो। तो ये गाइस फुवारा है जो कि सालों से बंद है। वहां की तो गायब ही हो गई है डिजाइन, देख रहा है वो लग रहा दोबारा से बनेगा। कुछ 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 जगह गायब हो गया है, कुछ कुछ जगह है। इधर देखो साइड में पूरा खराब हो चुकी है कलाकारी, क्योंकि बहुत ही पुराना है ये। ये है अकबर का मकबरा, बट इसमें कैमरा अलाउड नहीं था तो फिर मैं बाहर आ गया। तो गाइज ये देख रहे हो मकबरा कितना ही खूबसूरत है, यहाँ पे भी आवाज गूंज रही है जैसे वहां गूंज रही थी, और ये भी आपको दिख ही जाएगा। ये देखो तो वहां पे भी मकबरा था, अभी मैं वहां से होते हुए आ रहा हूँ, अब यहाँ पे भी मकबरा है। तो आपको दिखाया था मैंने कि उधर साइड में 2 मकबरे थे, लेकिन यहाँ पे सिंगल मकबरा है। अंदर गए हो तुम? हाँ गया था। अंदर गए होंगे तो अकबर का मकबरा है। 1602 में बन के तैयार हो गया था, 1605 में अकबर की डेथ हो गई। अकबर का कहना था मेरे परिवार की कोई डेड बॉडी आवे इसमें दफनाते जाना, रूम बनाते जाना। अच्छा। उनका प्लान नहीं चला है तो 4 गेट है चारों तरफ, एंट्री का गेट जाइए तुम गए। हाँ। सीधे गए होंगे अकबर का मिला होगा। इधर बाजू छोटी बेटी है जैब ने साथ, दो जहांगीर के बच्चे। हाँ। एक में सिंगल है वो फर्स्ट बीवी है मुस्लिम रुकैया बेगम, रुकैया बेगम जो थ्री वाइफ हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, क्रिश्चियन बीवी यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है दिल्ली वाले रोड पर। जोधाबाई यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है आगरा में एयरफोर्स के पास। लाल किले में कृष्ण भगवान का मंदिर बनवाया था उसके, यहाँ पे भी एक मंदिर बनाया है जी। तो गाँव वालों तो 4 रूमों में समाधि मिली होगी, तो मैं अंदर 40 रूम खाली मिले हूँ। अंदर नीचे का पोषण कवर ने जिंदे जिंदे बनवा दिया था, अपनी कबर भी पहले बनवा दी थी। तो मेरी डेथ कहीं होनी चाहिए, डेड बॉडी यहीं आनी चाहिए। लाहौर में मरा था बेटे के पास, डेड बॉडी यहाँ पे आई है। बीच का पोषण जहांगीर ने बनवाया था, सबसे ऊपर कंप्लीट साझा ने किया था, उस पर नकली समाधि बनी हुई है। वही 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 तो असली है, सैंपल है वो फारसी वगैरह में लिखी है। ऊपर वाले ऊपर जाने नहीं देते, ऊपर का बंद कर दिया है, ऊपर नहीं जाने देते। लाल किला ताजमहल सिकंदरा सब बंद है, सब बंद है इस टाइम तो। वैसे मैंने बताया क्या इनके परिवार की हिस्ट्री था, ये बेटा सामने जो द्वार दिख रहा है वो तो लग रहा खंडर टाइप का है, क्योंकि मैंने आपको 4 द्वार बताया था, 4 द्वार तो है लेकिन उसमें से 1 द्वार तो खंडर ही है, क्योंकि सामने आपको दिख ही रहा होगा। ये जो आप देख रहे हो ना रेड कलर का जो बना हुआ है, ये वैसे तो इधर और साइड में बना हुआ है, और मेरे ख्याल से
जो हमने जहाँ से एंट्री करी थी उधर तो बाहर बना हुआ गेट के, बट ये बहुत ही बढ़िया बना हुआ, बहुत ही गंदा लग रहा है जिसने भी अलग से लगाया है। धीरे धीरे इमारत खराब होती जा रही है, बट मैं आपको बता दूं ये एक तरह का लव स्पॉट बन चुका है। तो गाइस देख रहे हो हिरन, कितने सारे हिरन है ये देखो। मुझे पता क्वालिटी थोड़ी लो आ रही होगी, बट बहुत दूर है ना वो, मैं आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको तो पता ही है फोन से शूट हो रहा है। तो गाइस हवा बहुत ही तेज चल रही है और जल्दी से निकलते हैं, बहुत ही प्यास भी लग रही है, पानी की बोतल भी नहीं लेके आए, तो पहले तो जाके पानी पियेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस ये हमारे कुछ फ्रेंड्स मिले हैं। हे गाइस, वी आर फ्रॉम कुडला एंड आई डोंट नो वेयर यू फ्रॉम, बट आई आल्सो लाइक दिस प्लेस। दिस वन, लुक एट द साइड प्लीज, शो दिस प्लेस। ये देखो गाइस, दिख रहा है यहाँ से तो बहुत छोटा छोटा दिख रहा होगा। एंड वी विजिट टू बोथ ऑफ फॉरेनर्स एंड दिस गर्ल्स एंड बॉयज, वी आर डोंट नो अबाउट दैट लैंग्वेज, व्हाट्स यू सेइंग अबाउट दैट। ये देखो हमारा हेलमेट, ये देखो मार्क्समैन निकाल रहा है हेलमेट हमारा, ये देखो क्या बात है। तो हम यहीं पे हेलमेट दुपका के गए थे क्योंकि इसका भी चार्ज ले रहे थे 10 रुपए इसका चार्ज, हमारा ट्राइपॉड भी रखवा लिया उसका भी 10 रुपए चार्ज। कर्रा खंडर दिख रहा है। अगर हम लोग यहाँ सेंटर पॉइंट पे खड़े होते हैं ना, तो यहाँ से एक चीज देखिए, सबसे पहले तो हमारी आवाज जो है बहुत ही तेज गूंजने लग जाती है। एंड आप इसके लिए जो ये देख रहे हैं ना, आपके ये पोर्शन है गेट साइड गेट टाइप के, इन टाइप से अगर हम लोग यहाँ खड़े होते हैं बहुत ही ठंडी हवा आती है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर जितना ही ज्यादा होता है और जो मिट्टी की बनी हुई दीवार से जो ठंडी पड़ती है, समझ रहे ना, गर्मी से ठंडी पड़ती है, सेंटर पॉइंट पे अलग सी हवा आती है। थैंक यू गाइस। फिर चलते हैं घर, पहले तो बाइक उठाते हैं फिर निकलते हैं। तो गाइस बाइक तो ये खड़ी है हमारी, और उठाते हैं फिर निकलते हैं। देख रहे हो बाइक, कैसा लगा आपको अकबर का मकबरा? आई होप अच्छा ही लगा होगा। तो मेरी हेल्प बहुत करी उन अम्मा जी ने, क्योंकि उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई अकबर की, जागीर की और सिकंदर लोधी की भी। बट बहुत आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो। तो जो भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ बहुत सारा प्यार दें, और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें वीडियो को, और जो भी पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो गाइस चलो फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट, ठीक है, ओके बाय, रखता हूँ, टाटा।